सबको जय यीशु। मेरा नाम ज्योति रेशमा कुजूर है, मैं डिब्डी से हूँ और अभी फ़िलहाल मैं सिमडेगा सिविल कोर्ट में सर्विस कर रही हूँ। और मैं यहाँ प्रार्थना योद्धा में 2017 में जुड़ी, तब से मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ हो रही हैं, अभी तक होती ही रहती हैं, लेकिन मैं एक विशेष गवाही को आपके सामने रखना चाहती हूँ। 2018 में मुझे ईश्वर के द्वारा एक बेबी हुआ, उसके बाद जस्ट 19 में ही मुझे पता चला कि मुझे एक बीमारी हो गई है, SLE करके उसका नाम है, जो प्रायः सबों को नहीं होता, इस 100 में से 4-5 लोगों को ही ऐसा होता है, डॉक्टर ऐसा बताए। मुझे इस बीमारी के बारे में पहले कभी पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ बीमारी भी होता है, जिसके वजह से मेरे पूरे चेहरे में काला पड़ गया था, मतलब वो धूप से काला हो जाता था। और डॉक्टर से हम जब मिले तो डॉक्टर बोले कि ये आपका ज़िंदगी भर का ये आपका बीमारी है और आपको पूरा जीवन भर आपको दवाई खाना है, दवाई खाइएगा तभी आप नॉर्मल रहेगा, वरना आप छोड़िएगा फिर आपको ऐसा ही होगा। लेकिन हम दवाई भी ले रहे थे, लेकिन मेरे साथ मेरा मतलब वो आता था फिर चला जाता था, आता था, वो स्किन में होता ही रहता था। और ऐसा करते करते वो पूरा कान में, वो दोनों कान में पूरा काला हो गया मेरा, और मतलब खुजली होता था हल्का हल्का, और धूप में जाने से थोड़ा जलता था, और हम पूरा कुरूप हो गए थे, अब कहीं जाने का मन नहीं होता था, हमको लगता था सब हम ही को देखेगा, बोले क्या हो गया इसका चेहरा में, ऐसा हमको लगता था। लेकिन फिर हम डॉक्टर से तो मिल लिए, डॉक्टर से बात, यहाँ से वचन भी लिए, तो वचन में ही आया कि ये बीमारी आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको दवाई कंटिन्यू खाना है, मतलब बहुत दिन लगेगा, टाइम लगेगा। बस ऐसे ही मिला, फिर हम ये बीमारी को एक्सेप्ट कर ली और हम इस बीमारी के साथ चल रहे थे। लेकिन एक बार हम अपने पति के साथ यहाँ दूसरे काम से आए थे, कुछ दूसरा हम लोग को अपना काउंसलिंग कराना था, तो काउंसलिंग के दरमियान में ही दीदी और भैया थे, तो भैया पूछे कि आपके चेहरे में ऐसा क्या हो गया है, तो मैं वो सारा कहानी बताई, ऐसा ऐसा है, ये बीमारी है, डॉक्टर ऐसा ऐसा बोले हैं मुझे। हमसे भैया राज बोले कि आप प्रभु में विश्वास करती हैं, तो मैं बोली हाँ करती हूँ। आप दशमांश देती हैं, बोले हाँ देती हूँ, यहाँ तो नहीं देती हूँ लेकिन मैं देती हूँ, तो बोले कोई इससे कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी दे, लेकिन आप देते तो हैं, बोले जी जी भैया मैं देती हूँ। उसके बाद फिर बोले कि आपको फिर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, भैया मेरे पीछे लग गए, और मैं दूसरे दिन मैं जाने वाली थी सिमडेगा, लेकिन भैया बोले नहीं तुम समय दो, 1-2 दिन हमको दो, हम तुम्हारा दवाई छुड़वा देंगे। हम बोले ठीक है, हम तो चाहते हैं कि मेरा दवाई छूट जाए, क्योंकि उस दवाई से, उस बीमारी से हम फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। फिर भैया बोले कि ठीक है तुम यहाँ आओगी या हम तुम्हारे घर भेज दें भाई लोग को पाप स्वीकार कर तैयारी के लिए। तो मेरा वो बन नहीं रहा था, बच्चा भी छोटा था, तो यहीं से भाई लोग गए और मेरा पाप स्वीकार का तैयारी करवाए। उसके बाद फिर मैं पाप स्वीकार करके भैया के पास आई, तो दीदी बोली कि तुमको याद आया कि तुमसे कुछ पाप हुआ है, चाहे कुछ हुआ है तुमको याद आया। मैं बोली कि मुझे जो याद आया मैं तो कर दी, पाप स्वीकार कर ली हूँ। तो फिर मैं फिर भी क्रॉस चेक करना चाह रही थी दीदी को कि दीदी बताइए ना मुझसे क्या पाप हुआ है जो, और मैं इस पहले मैं इस चीज़ का रीज़न जानना चाहती थी कि मैं प्रभु में पहले से थी, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आई और थी, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम मेरे से ऐसा क्या गलती हो गया जो प्रभु मुझे ऐसा बीमारी दे दिया जो कभी ज़िंदगी में जाएगा नहीं। तो यहाँ दीदी बताए कि आपसे भेदभाव वाला पाप हो गया, आप किसी से भेदभाव किए हैं। जब मैं पाप स्वीकार की तब भी मुझे तो भेदभाव वाला पाप ही नहीं पता था कि भेदभाव का भी कुछ पाप होता है। फिर बताई दीदी, फिर मैं एक रात अच्छे से मनन चिंतन की, फिर मैं अपने पिछले जीवन में गई, तब मुझे याद आया और मैं फिर पाप स्वीकार की, इसका दूसरे दिन फिर की। उसके बाद फिर आई यहाँ, फिर दीदी बोले कि अब तुम चंगी हो गई, तुम विश्वास कर लो, तुम आज से धन्यवाद देना शुरू करो, ब्रदर आज मुझे उत्साहित किया, तुम धन्यवाद देना शुरू करो कि तुम ठीक हो गई हो। ऐसा करते करते मुझे सब चीज़ एकदम पूरा एकदम उत्साह से भर के फूल करके भेज दिया गया सिमडेगा। फिर हम चले गए सिमडेगा, फिर दवाई लेकिन हम ले ही रहे थे, फिर वही निकल रहा है, फिर काला हो रहा है, फिर आई, फिर मतलब पूरा ज़ीरो होके यहाँ फिर आई। फिर ब्रदर राज बोले कि क्या हो गया, हम फिर बताए कि ऐसा ऐसा, फिर बोले कि नहीं नहीं मतलब जब जब भी यहाँ आते फिर हमको फुल रिचार्ज करके फिर भेज देते थे,
फिर एक बार फिर हमको बोले कि तुम दवाई छोड़ दो, अब दवाई खाने का ज़रूरत नहीं है, तुम विश्वास करो तुम ठीक हो गई हो। और हम सच में फिर हम विश्वास किए और हम दवाई छोड़ दिए, हमको दवाई खाने का ऐसे ही मन नहीं करता था, छोड़ दिए। फिर हम चले गए, फिर मेरा वही निकल ही नहीं रहा, हम कितना रोते विलखते रहे। उसके बाद हम फाइनली पता नहीं मेरे दिमाग में क्या, हम सोचे नहीं हमको दीदी मेरा कान कुछ छुएगी, मेरा स्किन कुछ छुएगी और प्रेयर करेगी तो हम ठीक होएंगे, ऐसा सोच के हम आए और हम दीदी को बोले। तो दीदी बोली ऐसा कुछ नहीं है कि हम छुएंगे तुम ठीक हो जाओगी, हम बोल दिए प्रभु बोल दिए तुम चंगी हो गई तो तुम चंगी, तुम उस बात में विश्वास करो कि तुम चंगी हो गई, बस यही विश्वास करो, लेकिन हम तुम्हारा मन रखने के लिए हम ऐसा करेंगे बोली, और मेरे लिए प्रेयर किए। और पता नहीं ये मेरा विश्वास, जब वो प्रेयर कर रही थी तो हम ये वो वाला चीज़ को हम अपने सामने देख रहे थे, जब यीशु जा रहे थे तो एक महिला जो उसको छूती है और यीशु के कपड़े से छूने से उसके अंदर वो यीशु का शक्ति आता है, वो चंगी होती है। हम यही विश्वास करके हम उस दीदी मतलब कि प्रभु यहाँ पर आप हैं, दीदी की जगह आप हैं और आप हमको छू रहे हैं और आपका शक्ति मेरे अंदर आ रहा है और हम चंगे हो रहे हैं, हम ये बोले। और हम बस बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, छोटा सा प्रेयर था बस, हुआ और चले गए। और उसके बाद से मेरा स्किन अब धीरे धीरे मतलब जैसा पहले था वैसा हो गया, हो रहा है, अभी भी कुछ कुछ है लेकिन हम बहुत हद तक अब हमको अच्छा लगता है, तैयार होने में भी अच्छा लगता है, दूसरे को मेरा कुछ थोड़ा सा तारीफ़ कर देता है तो अच्छा लगता है। अब इस बात के लिए पिता ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और स्थिर दीदी और भैया को भी धन्यवाद जो हमको हमेशा उत्साह मेरे अंदर भर देते हैं और हमको भेज देते हैं, वहाँ भी हम अकेले रहते हैं लेकिन इनके प्रार्थना इनके प्यार और मेरे पति के प्यार और ईश्वर का प्यार से हम उत्साहित हमेशा रहते हैं। इसके लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद।